नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। दिल्ली से सटे हुए राज्यों के जो बॉर्डर हैं उन्हें पहले की तरह अब फिर से एक बार सील कर दिया है, लेकिन जब अनलॉक वन की शुरुआत आज हुई तो इन बॉर्डरों पर कई किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए थे। लोगों में यह कंफ्यूजन था कि क्या जो सरकार कह रही है, केंद्र सरकार, कि अब राज्यों की सीमाओं को खोल दिया गया है तो क्या वो आ जा सकते हैं। हालांकि जब जो दिल्ली से लगे हुए दूसरे राज्य थे, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों की तरफ से यह फैसला वहां के सीएम ने उन जिलों के डीएम के ऊपर छोड़ा। उन जिलों के डीएम को यह तय करना है कि क्या वो बॉर्डर खोलेंगे या नहीं। दिल्ली सरकार ने भी यह फैसला दूसरे राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया कि वो चाहें तो इन बॉर्डरों को खोल सकते हैं, नहीं तो वो बंद रख सकते हैं। नोएडा के डीएम की तरफ से यह तर्क दिया गया कि दरअसल नोएडा में जो भी मामले हैं ये दिल्ली से आए हुए लोगों के उसमें से 60% मामले, मतलब ये लोग वो लोग थे जो हर दिन दिल्ली में किसी ना किसी काम से जाते आते थे या वो वहां पर नौकरी कर रहे थे, जिसके बाद आज सुबह के कन्फ्यूजन को अब दूर कर दिया गया है और अगले आदेश तक के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर को फिर से एक बार सील कर दिया गया है। अब वही लोग आ जा सकेंगे जिनके पास ई पास है, जिनके पास पहले से पास था वो लोग आ जा सकेंगे। साथ ही मीडिया को सिर्फ अपना आई कार्ड दिखाने के बाद आने जाने की परमिशन है। साथ ही वकील को और जरूरी सामान जो लोग लेकर आ जा रहे हैं उन्हें भी यह छूट दी गई है, जो दुकानदार हैं उन्हें यह छूट दी गई है, लेकिन बाकी तमाम लोगों को फिर से उन पर एक बार पाबंदी लगा दी गई है। अब वो इन बॉर्डरों को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो लोग नौकरी के लिए आते जाते हैं वो सुबह 9 बजे तक इस बॉर्डर को जरूर पार कर जाएं और शाम के 6 बजे के बाद ही उनकी एंट्री होगी। दिन में 9 बजे के बाद से 6 बजे तक उनको इस बॉर्डर से आना जाना उनका भी बैन रहेगा। साथ ही नोएडा प्रशासन ने दिल्ली सरकार से यह भी विनती की है कि वह उन लोगों के बारे में जरूर बताएं जो लोग सरकारी ऑफिस में काम करने के लिए इन जिलों से जाते हैं, और उनकी उपस्थिति भी बताएं कि क्या वह 33% में उनका उस दिन जाना जरूरी है, नहीं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम से ही काम करवाएं। साथ ही इसी तरीके से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी यह समस्या देखने को मिली, वहाँ पर भी सुबह से लंबा जाम था। वहाँ के भी प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अगले आदेश तक दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर भी पूरी तरीके से सील रहेगा। जिनके पास सिर्फ पास है वही आ जा सकेंगे। आम लोगों के लिए इस रास्ते को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, पहले की तरह यह रास्ता अभी भी बंद रहेगा। अगर आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। अगर आप दिल्ली से नोएडा आना चाहते हैं या नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं और आपके पास पास नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप गुड़गांव की तरफ यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते। आप फरीदाबाद की तरफ यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसे देखते हुए पड़ोसी जिलों के डीएम ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल दिल्ली से सटे हुए जिलों के बॉर्डर सील रहेंगे।